स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है एक डॉक्टर की। वेस्ट बंगाल के डॉक्टर फोरम के ये एडवाइजर है, नाम है कौशिक लहरी। हाल ही में ये डॉक्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कोलकाता में डॉक्टर केस को लेकर तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं रही, यानी वो ट्रेनी डॉक्टर जिसका वहाँ पर आर्जिकर हॉस्पिटल में रेप और मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद लगातार पुलिस सवालों के घेरे में थी, इसे लेकर इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को कुछ ऐसे वाक्या बताए हैं, कुछ ऐसे चीज़ों का जिक्र किया है जिसे लेकर सवाल लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल 1 सितंबर कल यानी रविवार का दिन होता है जब इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई ऐसे पहलुओं का जिक्र किया है जो 9 अगस्त की रात जो वहां पर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, डॉक्टर स्टाफ जो तमाम वहाँ लोग पहुँचते हैं, और जिस तरह से वहाँ पर FIR से लेकर पोस्टमार्टम से लेकर, चाहे वो क्रिमेटेशन हो उसको लेकर, चाहे पुलिस के जो जांच का विषय था उसे लेकर, चाहे एविडेंस हो, तमाम पहलुओं का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, लगातार इस पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इन डॉक्टर ने जो जिक्र किया है उसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि जिस तरह से कोर्ट में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इन तमाम पहलुओं पर जिक्र किया था, और इतना ही नहीं, जो कोलकाता पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट यानी कपिल सिब्बल, उनसे भी कई तरह के सवाल दागे गए थे। इसके साथ ही आपको याद होगा कि वो बेंच में एक जज ने ये तक कह दिया था कि उनके 30 साल के करियर के एक्सपीरियंस में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें पुलिस ने पहले उन्हें सूचना मिलती है 10:10 पर, यानी 9 अगस्त की सुबह 10:10 पर ताला पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक अनकॉन्सियस अवस्था में एक लड़की यानी ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस की जो जनरल डायरी होती है उसमें एंट्री होती है 10:10 की कि ये सूचना मिली थी, जिसके बाद वहाँ से लेडी ऑफिसर और तमाम वहाँ के पुलिस जो होती है वो पहुँचती है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज। इसके बाद ये दावा इन्होंने ही किया है जो स्टेट फोरम के डॉक्टर हैं यानी कौशिक लहरी ने इन तमाम चीज़ों पर का जिक्र किया है। उन्होंने इंटरव्यू में ये तमाम चीज़ें कही है जिसमें उन्होंने सबसे पहला सवाल यही उठाया कि 10:10 पर जब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से जिसका भी स्टाफ का गया होगा फ़ोन, वहाँ पर पुलिस ताला पुलिस में फ़ोन जाता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और वहाँ पे जायज़ा लेती है, जिसके बाद डेड बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और तमाम पहलुओं पर जाँच करने लगती है। लेकिन एक वीडियो, एक फ़ोटो वायरल होता है जिसमें क्राइम सीन से बोला जा रहा था कि टेम्पर्ड किया गया है क्राइम सीन, क्योंकि वहाँ पर जाने से किसी को रोका नहीं गया था। इस मामले में कई लोग वहाँ मौजूद थे तो एविडेंस से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही थी। CBI ने भी कोर्ट में ये दाखिल किया था कि उनके आने से पहले उन्होंने लगभग 5 दिन बाद इस केस को हैंडल किया था और इसके पहले वहाँ तमाम चीज़ें हो चुकी थी। हालांकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि चाहे PM रिपोर्ट हो, चाहे क्राइम सीन का ये सब जिक्र हो, तो उन्होंने पूरे चीज़ों का वीडियोग्राफी कराया था। लेकिन CGI ने इस पर भी सवाल दागा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने क्राइम होने के बाद की चीज़ें बताई है वीडियोग्राफी में, लेकिन क्राइम होने के पहले तक की चीज़ें तो आपने रिकॉर्ड करके नहीं बताई थी। तो ऐसे जो सवाल उठे थे कि 10:10 पे आपको सूचना मिलती है लेकिन आपने FIR कॉपी जो रजिस्टर्ड होती है उसमें उस दिन रात को लगभग 11:45 पर FIR दर्ज होती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह से अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर्ड होता है। यही सवाल ठीक जो CGI ने उठाया था, जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया जा रहा था, तमाम इन्हीं पहलुओं पर इन जो डॉक्टर हैं फोरम के एडवाइज़र जो कौशिक जी, उन्होंने भी तमाम सवाल ऐसे ही उठाए थे। इसके साथ ही उन्होंने 3 ऐसे दावा किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये लड़की जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसे बहुत कुछ पता था और वो बहुत समय पहले से वहाँ थी, तो ऐसे में क्यों वो शांत रहती थी, इसके पीछे कारण था क्योंकि वो लड़की जिस तरह से थी, जो जिस तरह से उसका रिकॉर्ड रहा है, वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। ये डॉक्टर फोरम के जो एडवाइज़र है कौशिक जी, इन्होंने ये तक कहा कि ऐसा नहीं है कि वो पहली लड़की थी या पहली ट्रेनी डॉक्टर थी जिसके साथ वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं।
आपको बता दें कि कई ट्रेनी और कई सीनियर्स डॉक्टर्स के साथ भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से वो चुप रहते थे, वो किसी से ये सब खुलासा नहीं करते थे। लेकिन ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जो पीड़िता थी, ये चुप रहने वालों में से नहीं थी। ये बोलने में, काफ़ी चीज़ों में ये जिक्र करती थी, जिसकी वजह से इसे टारगेट किया गया हो सकता है। यानी उनका साफ साफ कहना है कि उस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से संदीप घोष यानी प्रिंसिपल, पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने कई सवाल उठाए, जिनमें उन्होंने कहा कि संदीप घोष के रहते हुए तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद एक से डेढ़ घंटे बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जाता है, तो क्या वजह थी कि इन्हें इतना टाइम लग गया, किस कल्प्रिट को ये बचाना चाह रहे हैं। माना कि मुख्य आरोपी संजय को अरेस्ट कर ली है, कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन जिस तरह से क्राइम सीन नज़र आ रहा है, जिस तरह से क्राइम हुआ है, क्या वो मुमकिन है कि एक जन कर सके? और एक जन चलो कर भी लेते हैं, तो एविडेंस जिस तरह से वहाँ पे मिले हैं, जिस तरह से चीज़ें हुई, वो एकदम आसानी से वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच जाता है। ये सवाल उठाता है अस्पताल प्रशासन पर, अस्पताल के सेफ्टी और सिक्योरिटी पर, कि आखिर कैसे एक कोई शख्स वहाँ पे एंट्री करता है, भले ही वो सिविक वॉलेंटियर रहा हो, भले ही वो अस्पताल में उसका आना जाना रहा हो, लेकिन ऐसे में अगर वो क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद चाहे वो ब्लड हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो पक्का उसके साथ रही होंगी, लेकिन बावजूद इसके किसी की नज़र नहीं जाती। वो तो भला हो कि वहाँ सीसीटीवी होता है, जिसकी वजह से वो कैप्चर हो जाता है, और ब्लूटूथ डिवाइस वहाँ अगर एविडेंस के तौर पर नहीं मिलता, तो ये भी बड़ा सवाल था कि आखिर कौन था और क्या कुछ उसने वहाँ किया था। कहीं ना कहीं डॉक्टर कौशिक ने ये इशारा किया है कि अस्पताल में कुछ तो चल रहा था, कुछ तो गड़बड़ी थी, जिसकी वो पहली शिकार नहीं थी। इसके पहले भी कई ट्रेनी डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर्स भी ये सारी चीज़ें भुगत चुके हैं, लेकिन वो हमेशा चुप रहना पसंद करते थे। लेकिन ये जो पीड़िता थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, ये कभी चुप रहना नहीं पसंद करती थी, ये अगेंस्ट होती थी, यानी अगर गलत कुछ होता था तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने वालों में से एक थी। ऐसे में इसी के साथ ऐसी दरिंदगी जैसी, हैवानियत जैसी हरकतें होती है, और उसके बाद कल्प्रिट संजय को अरेस्ट किया जाता है, और वो बड़े ही आसानी से वहाँ से निकल कर फरार भी हो जाता है। दोस्त उसे अगले दिन बुलाता है खाने पे, जिसमें उसका जिक्र होता है कि उसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसके बाद उसकी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है, और फिर तो एविडेंस जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस वहाँ से मिला था, तो उसके थ्रू पुलिस संजय तक पहुँच ही जाती है और गिरफ्तार कर लेती है। सीनियर डॉक्टर कौशिक का दावा है कि उस हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा ऑफेंस हो रहा था जो पहले से कई लोगों को पता था, लेकिन लोग बताते नहीं थे। ऐसे में पीड़िता को भी पता था, लेकिन वो कई बार ऐसे जिक्र किया था उसने, लेकिन सारी चीज़ें सामने नहीं आई थी। हालांकि उन्होंने संदीप घोष को भी लेके कहीं ना कहीं टारगेट किया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक और यहाँ से वो रिज़ाइन करते हैं कि उन्होंने अपनी जो भी क्राइम होता है उसके मद्देनज़र उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनका इस्तीफ़ा नामंजूर तो नहीं होता, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उनकी पोस्टिंग बदल दी जाती है, कई और हॉस्पिटल में लग जाती है। तो ये भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इस्तीफ़ा किसने कहा देने के लिए, और इस्तीफ़ा देने के बावजूद अगर आपको अगले ही कुछ चंद घंटों में अगर आपकी तैनाती हो जाती है, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि एक और इतनी बड़ी इंसिडेंट वहाँ पर होती है, इतनी बड़ी घटना होती है, दूसरी ओर ये जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनकी तैनाती भी हो जाती है। अब बात करेंगे वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के एडवाइजर कौशिक जी ने आगे कुछ क्या कहा। दरअसल उन्होंने सवाल उठाया कि 10-10 पर सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस को ये पता चल गया था कि अनकॉन्सियस कोई वहाँ पर पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल कि अनकॉन्सियस वर्ड अगर यूज़ किया गया है तो वहाँ उस हॉस्पिटल से फ़ोन गया था। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, और ये हॉस्पिटल से फ़ोन जा रहा है, और ये सवाल बड़ा उठता है कि आखिर हॉस्पिटल प्रशासन को कैसे नहीं पता कि वो बॉडी अनकॉन्सियस है या डेड है। तो ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि अनकॉन्सियस वर्ड किसने यूज़ किया और क्यों किया फ़ोन पर। दूसरी बात, जो पुलिस वहाँ एंट्री करती है, पुलिस थाने में ताला, पुलिस थाने के जो जनरल डायरी होती है उसमें एंट्री कर देती है कि 10-10 पर ऐसी सूचना मिली, जिसके बाद वो अपनी टीम लेकर आजीगन मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाते हैं। इसके बाद 10:50 को जो पीड़िता के घर पर फ़ोन किया गया था, उसमें बताया ये गया था कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो एक फ़ीमेल थी, फीमेल स्टाफ ने फ़ोन किया था, जिसका वायरल ऑडियो आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने भी ये कहा था कि पहली बार तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, दूसरी बार में कहा कि आपकी बेटी की हालत गंभीर है, आप फौरन अस्पताल आ जाइए, तीसरी बार में बताया कि आपकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया है, ऐसे में आप फौरन इस अस्पताल में पहुँच जाइए।
जैसे तैसे वहाँ अस्पताल पहुँचते हैं। अब सवाल ये उठाते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे कि 3 घंटे उस पीड़ित परिवार को वहाँ पर क्यों वेट करना पड़ा। अगर आप क्राइम सीन का देखेंगे, जायजा लेंगे, तो तमाम ऐसे लोग वहाँ विजिट कर रहे थे, लेकिन पीड़ित के परिवार को वहाँ 3 घंटे तक रोक कर रखा गया कि आप नहीं जा सकते, जिसके बाद 3 घंटे बाद उन्हें बुलाया जाता है और वो लड़की की बॉडी उन्हें सौंपी जाती है। इस दरमियान उन्होंने एक गंभीर सवाल ये उठाया कि अगर जिस तरह से अननेचुरल डेथ केस ये था, तो FIR की कॉपी 11:45 पर दर्ज की गई थी। हालांकि ये CGI ने भी ये सवाल उठाए थे, जिसमें जो कोलकाता पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट कपिल सिब्बल, उनसे भी सवाल किया था कि आखिर सारी चीज़ें हो जाती है, पोस्टमार्टम तक हो जाता है, ऑटोप्सी, ये सारी चीज़ें हो जाती है, आप बॉडी पेरेंट्स को सौंप देते हैं, इसके बाद आपकी FIR कॉपी सामने आती है जिसमें आपने लिखा है कि 11:45 पे इसकी डेथ हुई थी, यानी FIR कॉपी 11:45 पर रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कोलकाता पुलिस पर। अब इस वीडियो में सबसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे, वो है ऑटोप्सी रिपोर्ट। दरअसल ऐसा 2023 में एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि सनसेट के बाद कोई भी पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी चीज़ें नहीं होंगी, यानी डेड बॉडी अगर है तो वो सनसेट के बाद आप नहीं होनी चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उस पर मेंशन था कि 6:10 पर पोस्टमार्टम किया गया था, 7:10 तक ये पोस्टमार्टम हुआ था। हालांकि इसका वीडियोग्राफी है जो कोर्ट में भी तमाम एविडेंस के तौर पर वहां रखा गया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसे डायरेक्शन है, ऐसी गाइडलाइन है, बावजूद इसके कि क्या जल्दबाजी थी कि कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम सनसेट के बाद किया, यानी ऑटोप्सी जो उन्होंने कराया था वो सनसेट के बाद, ये भी एक सवाल कोलकाता पुलिस के खिलाफ ही जाता है। आपको बता दें कि इसके ये तमाम चीज़ें हो जाती है, जिसके बाद 8:30 बॉडी सौंप दी जाती है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स इसके बाद वहाँ पहुँचते हैं क्रीमेटेशन के लिए और बॉडी को वहाँ पे वो मुखाग्नि देते हैं। आपको दरअसल अगर डॉक्टर की माने तो डॉक्टर ने, चाहे वो शुरू से लेकर अंत तक की कहानी हो, 9 अगस्त की बात है, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने जिक्र किया। इसके पहले आपको याद होगा कि कोर्ट में CGI ने भी इन तमाम पहलुओं पर जिक्र किया था, जिसमें कोलकाता पुलिस को ही सवालों के घेरे में ला दिया था कि कैसे इस तरह से आपने जो लूप होल्स दिए हैं, क्योंकि गाइडलाइंस है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, FIR कॉपी है, चाहे UD की बात करें, चाहे जनरल डायरी की बात करें, तमाम पहलुओं पर CGI ने भी फटकार लगाई थी, जिसमें कोलकाता पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर लेट लतीफ़े के पीछे की कहानी क्या थी? वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि कोलकाता पुलिस, जैसे ही तमाम चीज़ें अगर ऑडियो वायरल होती है, कोलकाता पुलिस सामने आती है, ऑडियो पर सफाई देती है, वीडियो वायरल होता है, पुलिस सामने आती है, वीडियो पर सफाई देती है, इसके बाद फोटो आता है, फोटो पर पुलिस सफाई देती है, लेकिन IMA जो मेडिकल एसोसिएशन है इंडिया का, वो उस पर ऑब्जेक्ट कर जाते हैं कि आपने जिसे जो कुछ बताया है उसमें ये कब इन्होंने एक्सपर्ट बन गया है ये हमें बता दीजिए। यानी कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस लगातार अपने दामन पे जो दाग लगी है उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लूपहोल्स ऐसे सामने आ जा रहे हैं जो कोलकाता पुलिस को ही कटघरे में ला खड़ा कर रहे हैं।